तो बड़ी खुशखबरी आती हुई आसुस इंडिया की तरफ से, मैक्स प्रो M1 यूज़र्स को स्टेबल पाई अपडेट जो है मिलना शुरू हो गया है और मैक्स प्रो M2 यूज़र्स को घंटा मिल रहा है। और इसी बात के लिए हम लोग 1 मिनट का जो है मौन व्रत रखेंगे। और फिर मैंने सोचा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आसुस इंडिया को, और जो कलम की धार होती है वो तलवार से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इस ज़माने में आके ना हम लोग तलवार यूज़ करते हैं और ना कलम बगावत के लिए। जो हम यूज़ करते हैं वो है ट्विटर, और मैं सीधा ट्विटर में गया। मैं बहुत गुस्से में था, मेरा दिल किया मैं कुछ ऐसा लिख दूं, और फिर मैंने खुद को संभाला। और ट्रोल करना किसी को भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जो है ठीक नहीं है, और हमने कुछ ऐसा ट्वीट किया आसुस इंडिया को। तो आप भी जाके @आसुस इंडिया को ट्वीट कर सकते हैं, या किसी भी ट्वीट का रीट्वीट कर सकते हैं, और चिड़िया उड़ा सकते हैं, कुछ भी करो, पर ट्रोल मत करना। बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है आपसे, ट्रोल करना इज़ नॉट गुड। और कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी मेरी जो वीड़ियो की कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाके दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, जो बोलना है उधर जाके बोलो। तो मैक्स प्रो M1 यूज़र्स को बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आपको पहले मिली, और हमको जो है सबसे आखिर में मिलेगी। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के तो मिली, ये खुशी की बात है। चलो किसी को तो मिला स्टेबल पाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है मैक्स प्रो M1 यूज़र्स के लिए। जो लोग स्टेबल पाई पे थे वो जब जो अपडेट करने जा रहे थे, लगभग 1.6 GB का ये अपडेट था, अपडेट करने के टाइम कुछ ऐसा दिखा रहा कि डाउनलोडिंग सिस्टम अपडेट हैज़ बीन कैंसल्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है अपडेट पैकेज में। फिर जो है बहुत ने क्या किया कि जो स्टेबल में थे 8.1 में ओरियो में, उन्होंने पाई बीटा रोम को जो है इंस्टॉल किया, और देन जो है अपडेट साइज़ लगभग 400 MB की बन गई थी, और उसके बाद उन्होंने आसानी से जो है अपडेट कर लिया। तो एज अ मैक्स प्रो M2 यूज़र आपको क्या करना चाहिए? अगर आप 8.1 स्टेबल में हैं, क्या आप पाई बीटा में चले जाएंगे ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, और जब अपडेट आएगी आप आसानी से अपडेट कर लेंगे, लगभग 400 MB की अपडेट होगी? तो मैं कहूँगा आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपडेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आसुस इंडिया इसे रोल बैक कर सकती है, या कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन शायद ये दे दे, तब तक आपको ये जो है वेट करना चाहिए। और जब भी अपडेट आएगी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम बता देंगे। तो हमारे वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है सबसे पहले खबर मिल जाए एंड्रॉयड पाई की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को 12 बजे के बाद आपको अपडेट मिल सकती है। ऐसा मेरे दिल का कहना है, क्योंकि मैं अभी बहुत दुख में हूँ। ओके, तो डोंट जज मी। ओके, और इन द मीन टाइम जो उड़ती उड़ती खबर आई है कि जिन्होंने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है मैक्स प्रो M1 को, उन्हें जो है जी कैम यूज़ करते हुए देखा गया है। जी हाँ, यह हमारे सूत्रों की ओर से खबर है कि जी कैम यूज़ किया जा रहा है मैक्स प्रो M1 में, जिन्होंने पाई स्टेबल अपडेट कर लिया है। हालांकि उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि आपको जो है अब कैमरा टू API इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अपडेट के बाद आपको जो है मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, देखेंगे क्या होता है। साथ ही में यहाँ पर जो नाइट लाइट का फीचर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, बहुत दुखद खबर है मैक्स प्रो M1 यूज़र्स के लिए। और अगर मैक्स प्रो M2 यूज़र्स को भी इस तरह से नाइट लाइट का फीचर नहीं दिया गया तो यहाँ पर सच में मौन व्रत रखना पड़ेगा। और जिन्होंने मेरे को भर भर के गाली दी थी ना उस वीडियो, कौन सी वीडियो थी वो, कंपैरिजन वीडियो की थी मैंने ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के साथ नोट 7 या नोट 7 प्रो की। उसमें मैंने बोला था कि नोट 7 या नोट 7 प्रो आँख बंद करके ले लो, मैक्स प्रो M2 से तो बेहतर है। तो बहुत गाली पड़ी मुझे उस वीडियो में। और अगर नाइट लाइट का फीचर नहीं आता है ना ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में पाई अपडेट के बाद भी, तो एक कंपैरिजन वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, उसमें एक ही पॉइंट होगा कि इसमें नाइट लाइट का फीचर है और उसमें नाइट लाइट का फीचर नहीं है, ठीक है? और फिर मेरे को भर भर के गाली देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन द मीन टाइम अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं सब्सक्राइब, तो आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव वीडियो आज मिलेगी कैसे करते हैं सब्सक्राइब। तो इस तरह से आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जब भी पाई की अपडेट आएगी ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में, हम सबसे पहले आपको वीडियो बना के बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।